अंदर गाट नहीं हो, धीमे गिरते जी भैया। और ये नॉर्मल कम से कम ये मतलब उसके बाद ये देख ये चलो, अब ये नया तरीका देख ये ले गया। ये लो इससे ऊपर से हाँ जी। राम राम सर सभी को, खंबा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। तो दोस्तों मेरे पीछे है लक्ष्मण गोलगप्पे वाले, उन्होंने शुरुआत गोलगप्पे से की थी इनके पिताजी ने, और उन्हीं का नाम लक्ष्मण था। और आज इनके पास सब चीज़ मिलती है, जो भी आपको खाना है वो सब मिलेगा। लगभग 40 साल से लगा रहे, फिर भी एक बार इनसे पूछेंगे कि कितने साल से लगा रहे, ये मेरा अंदाज़ा है ये सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं ब्लॉग की। ये है लक्ष्मण गोलगप्पे चाट भंडार, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं इनके पास। और इनकी लोकेशन बताऊँ कहाँ है, ये सामने घंटा घर, उधर सब्जी मंडी है, और इधर ये इस तरीके से दिख रहा है ना इंग्लैंड वाला यू टर्न, यहाँ पर लगा रखी कॉर्नर में। तो चलिए देखते हैं इनके पास क्या क्या मिलता है और कब से शुरुआत की। तो नमस्ते भैया जी। नमस्ते भैया। तो भैया कितना टाइम हो गया यहाँ पर ये सब चीज़ें बेचते हुए? भैया ये पापा का टाइम का ढिया है। पापा के टाइम का? पापा ने, पापा जी एक्सपायर हो गया करीब, नहीं तो 40-41 साल तो हो गया। टोटल 40 साल हो? हाँ 40-42 के आस पास। अच्छा, तो आप कब से संभाल रहे हो? मैं इसको संभाल रहा हूँ करीब, नहीं तो मैं 18-20 साल का था तब से। 18-20 साल के से संभाल? हाँ, पापा के साथ साथ ही आया करता था, छोटा था जब। छोटे से थे? और अभी क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी है 36। 36 मतलब 16-17 साल तो आपको ही हो गए। हाँ, तो शुरू में आपके पास क्या क्या मिलता था? जैसे पहले ओनली गोलगप्पे थे भैया, पहले सिर्फ गोलगप्पे, ओनली गोलगप्पे। पापा सिर्फ गोलगप्पे बेचा? हाँ, गोलगप्पे लगाते थे। फिर धीरे धीरे ये काम आपने बढ़ाया? नहीं नहीं, पापा ने बढ़ाया था, वो जो है पीछे दो दुकानें थी और। अच्छा, ये अपने गोयल साहब, गोयल वेक्टर में ना ये वाली दुकानें थी पकौड़े वगैरह की, तो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने काम चेंज कर दिया। उसके बाद में पापा ने कहा नहीं भाई अब एक से पार नहीं पड़ते, बच्चे बड़े भी हो गए तो और इसको बढ़ा लेते हैं। अच्छा, फिर हम संभालने वाले हो गए तो पापा ने फिर काम बढ़ा दिया। तो पहले धीरे धीरे क्या बढ़ाया, जैसे आज तो सब कुछ मिलता है? नहीं, कंटिन्यू पापा हलवाईगिरी काम करते थे ना। हाँ। तो उन्होंने सब चीज़ जानते थे। हाँ। तो एक साथ ही बढ़ा दिया, समोसे कचोरी टिक्की है, पापड़ी है, ढेबल्ले हैं। अच्छा, सब बढ़ा दिया था। तो ये कचोरी आपकी, ये समोसा? ये समोसा है। और वो ये टिकिया है आपकी? ये क्या है? ढेबल्ले। और वो गोलगप्पे? वो गोलगप्पे जो पुराने जो चलते आ रहे हैं। पापड़ी? हाँ। तो गोलगप्पे एक ही पानी से देते हो? हाँ, पानी एक से। अच्छा, तो जैसे आप इसके अलावा जो आप कॉम्बिनेशन करते हो चटनियों का, वो हाँ। क्या क्या करते हो? जैसे ये दही है? ये दही हो गया अपना। अच्छा, ये अमचूर वाली चटनी हो गई? प्योर अमचूर? प्योर अमचूर। इमली नहीं? इमली नहीं। अच्छा, गुड़ चीनी के साथ में ऐसे वाली? अच्छा, और ये अपनी हरी वाली चटनी, धनिया पुदीना पालक के साथ में, हरी मिर्च है, अदरक, तीनों चीज़ें मिला जी। और ये अपनी सब्जी है? ये आलू छोले सब्जी अपनी। तो ये किस किस के साथ देते हो? ये अपने समोसा कचौरी है। अच्छा, दही पापड़ी के साथ में कोई छोले लेना चाहे तो उसके साथ आ जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ जैसे। तो मोस्टली आपकी क्या बिकता है, सबसे ज़्यादा क्या बनाते हो आप? सबसे ज़्यादा अपने दही भल्ले, गर्मी का निर्सार चलता है ही। हाँ, तो जैसे गर्मी में प्रेजेंट में तो दही भल्ले और दही पापड़ी और गोलगप्पे। और गोलगप्पे? हाँ, सीजन का। ये समोसे टिकिया ये कचौरी कम है? हाँ, ये कम है, ये बरसात के अनुसार चलता है, मौसम होता ठंडा उसमें अच्छा निकलता है। तो मतलब कितने समोसे बेच देते होंगे अभी इस टाइम पे? जैसे अभी तो इस टाइम पे तो अपने 100-125 के आसपास है। और कचौरी भी इतनी? हाँ, इतनी। तो कुछ बच जाता है सामान या चला जाता है? बचता तो है भैया, बचता है तो फेंक जाए, खराब हो जाता है? खराब तो होता ही है, कस्टमर को दूसरे दिन दिया नहीं जाता, उसमें क्या फिर दुकानदारी खराब होती है। अच्छा, तो इसका मतलब आपको ये मजबूर हो बनाने के लिए? मजबूर है, कंटिन्यू चल रहे हैं, काफ़ी सालों चल रहे हैं तो बंद भी नहीं कर सकते। तो भैया ये सब चीज़ अकेले आप खुद बना लेते? नहीं, घर में फैमिली है, मेरे मिसेज है, बच्चे हैं, माता जी हमारी, वो सब मिलके बनाते? हाँ, सब मिलके बनाते। कितने बजे मतलब खड़े हो जाते हो बनाने के लिए? खड़ा होने को तो वही करीब में तो 5 बजे। 5 बजे खड़े हो जाते हैं और फिर तब से बनाने लग जाते हैं? हाँ, तब से सबसे पहले तो आलू उबाले जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, उसके बाद में फिर अपने जैसे घरवाली है वो आलू उबाल लेती है, हम है जो अपने और सामान लगा लेते हैं, मैदा वगैरह है, मसाला है, कचौड़ी का, समोसे का। अच्छा, यहाँ कितने बजे आ जाते हो? मैं आता हूँ करीब 11 बजे। अच्छा, तो मतलब 4-5 घंटे तो इसको बनाने में? हाँ, 4-5 घंटे। और फिर यहाँ कितने बजे तक रहते हो भैया? मैं रात के 9 बजे तक। 9 बजे तक रहते हो जी भैया? ये अपन जो तेल है ये कौन सा यूज़ करते हैं? ये रिफाइंड लेते हैं भैया। अच्छा, इसकी जगह अपन अगर सरसों का यूज़ करें तो कुछ फ़र्क आता है? हाँ, फ़र्क आता है, चीज़ अच्छी बनेगी उसमें, जो जो अपने जो सिकाई है वो भी अच्छी होगी सरसों में। सरसों में तो अभी अपन ने जैसे रिफाइंड लेते हैं अधिकतर। वो भैया अभी गोलगप्पे खिलाने में व्यस्त हैं, तो अपन आज क्या ट्राई करें? तो भैया आपके हिसाब से मुझे क्या ट्राई करना चाहिए आपकी दुकान पर? जो आप अच्छे लगे वो आप बताओ। अच्छा, तो रेट बता दीजिए, समोसा कितने का दिया? समोसे 20 रुपये। और कचौरी? कचौरी 20। और गोलगप्पे कैसे देते हो? 10 रुपये के चार। 10 के 4 जी भैया। अपनी टिक्किया कैसे मिलती है? ये 30 रुपये की एक पीस। 30 रुपये की एक पीस? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा,
और दही बल्ले कैसे देते हो? ये 30 रुपए के छह। 30 के 6 जी। और दही पपड़ी? वो 30 रुपए की 1 पीस। 30 रुपए। अच्छा, ऐसे सब चीजें सिस्टम कर रखा है? हाँ। तो ज्यादा महंगा नहीं है? हाँ, नॉर्मल है, अपने खा सकते हैं यार। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यार मेरे पास तो पैसे नहीं है। बात नहीं, कैसी बात कर रहे हो आप भी, खा के खाते हैं। चलो बताओ, आप बताओ क्या लगा? जो आपको अच्छा लगे वो खिलाएंगे, मैं आपको पैसे देके जाऊंगा। अरे नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेम होना चाहिए भैया। वो तो ठीक है, क्या मतलब आप बता दो, खिला दो कुछ भी जो आपका मन करता है ना, वो खाओ। दही बड़े खिला दो, मौसम की हिसाब से दही बड़े खा लेते हैं अपन। तो ये लो साहब दही, ये किसकी बताते हो? मूंग की दाल की। मूंग की दाल की? प्योर मूंग की दाल? प्योर मूंग। और कुछ नहीं मिलता? नहीं, और कुछ नहीं, इसमें खाली फेट मारनी पड़ती है, जिससे अंदर गांठ नहीं हो। अच्छा, जो तो ये आप पहले दही में गिरते हो? जी भैया। और ये पानी में भिगो के रखते हो? हाँ, ये नमक का पानी होता है, इनका पानी। अच्छा अच्छा, मसाला कैसा भैया? नॉर्मल, कम से कम। ये मतलब 3-4 तरह के मसाले? हाँ। क्या क्या है ये? सादा नमक है, जीरा मिर्च है, जीरा अजवाइन, इसमें अपना काला नमक और गरम मसाला। तो ये आपका मिक्स मसाला? ये मिक्स मसाला है। आप बनाते हैं जी? और ये काला नमक? ये काला नमक। अच्छा, तो ये सब चीज़ें मिला के देते हो आप? ओके। उसके बाद ये दही, मीठा कम या ज़्यादा? कम कम। पापड़ी मिक्स? हाँ हाँ, डाल दो। अब ये नया तरीका देखा है मैंने पापड़ी का, थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा थोड़ा सा ये। अच्छा अच्छा, ये ले गया। ये लो सर, फिर वापस से ऊपर से। हाँ जी, ओके, धन्यवाद। ठीक भैया। ये भैया बना रहे हैं समोसा, इन्होंने आलू की सब्जी के लिए इसमें प्याज टिक्की, छोले टिक्की। हाँ, तो भैया आप यहाँ रेगुलर खाते रहते हो? हाँ बिल्कुल, रेगुलर खाते हैं ना। क्या खाना का पसंद करते हो भैया का? टिक्की ऑलमोस्ट वेरी गुड टेस्ट। अच्छा, गोलगप्पे, पानीपुरी, वेरी स्वीट। अच्छा, जो स्वाद है ना, एक्चुअल जो इमली का जो टेस्ट आता है, ये टाटरी नहीं डालते सबसे पहली बार। इमली का जो टेस्ट है ना, वो बहुत ही अच्छा है इनका, और ज़्यादा मिर्ची नहीं होती, स्पाइसी नहीं होते ज़्यादा। मतलब क्वालिटी जो है ये बहुत अच्छा, हाइजीनिक तौर पे रखते हैं पूरा मैंने इसको। और इनके समोसे आप खा के देखो, मैं अभी कचौरी खा रहा हूँ, कचौरी का टेस्ट एकदम बहुत शानदार होता है इनका। छोले और आलू की सब्जी, दही डाल दो, चटनी हरी डाल दो थोड़ी। चलो अभी मैं ये ट्राई कर रहा हूँ, अभी मैं 15 दिन बाद आया हूँ यहाँ पे रिटर्न, ओनली कचौरी खाने के लिए, इवनिंग टाइम, क्योंकि अभी इवनिंग टाइम सब्जी वाली कचौरी मिलती नहीं है। बिल्कुल, पूरे अलवर में नहीं मिलेगी इनके अलावा। अच्छा, यहाँ मिल जाती है? यहाँ मिल जाती है। चलो खाइए भैया। तो भैया की खा के देखते हैं अपन ने जो दिए दही बल्ले। बढ़िया यार दही बल्ले, मज़ा। चलो तो दोस्तों, कैसा लगा? बढ़िया ब्लॉग कैसा लगा? बेसिकली मुझे तो सीरियसली जो दही बल्ले भैया ने खिलाए बहुत ही अच्छे लगे, और थोड़ा यूनिक था क्योंकि उसमें पपड़ी का जो मिक्स किया वो भी अलग ही था, एक उसका भी एक अलग ही टेस्ट बनता है। तो राम राम सर सभी को, खंबा गणी सर, राजस्थान मेरा देश मेरा भारत। चटनी दोनों अभी डाल दूंगा ना। दही फीडबैक।